Hey guys, हमने एक नया YouTube चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑफिशियल डब्ड ट्रेलर्स, जहां पर आप सभी लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज के ऑफिशियल डब्ड ट्रेलर्स यानी कि हिंदी में, तमिल में और तेलुगु में एंजॉय कर सकते हैं। तो यहां पर क्लिक कर उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। In 90 minutes you can get away with scaring people 3 or 4 times. Get back in the car. For something like this, over 10 hours, the rules are very different. There's something in the house. The Haunting of Hill House ये Netflix की एक नई horror TV series है, जिसका पहला सीजन रिलीज हुआ 12 अक्टूबर 2018 को और ये रिलीज हुई Netflix पर। ये TV series based है 1959 में आई novel जो कि इसी नाम पर based थी, जिसको लिखा था Shirley Jackson ने। इस TV series को लेकर काफी hype था क्योंकि इसका trailer काफी डरावना और mysterious दोनों था। Season 1 consist करता है 10 episode का और हर एक episode लगभग 1 घंटे का है। Story set है 1992 में, जहाँ पर Hugh और Olivia Crain नाम के पति पत्नी Hill House नाम के mansion में रहने जा रहे हैं, जहाँ पर उनका लक्ष्य है कि उस mansion को repair करके उसे अच्छे दामों पर बेच देना। इनके साथ इनके 5 बच्चे भी हैं, 2 भाई और 3 बहन, और ये पूरी टीवी सीरीज इन्हीं 7 लोगों के इर्द गिर्द घूमते रहती है। अब ताकि आप इस टीवी सीरीज को अच्छे से समझ सकें, इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको इन भाई बहन के बारे में कुछ जानकारी हो। सबसे बड़े भाई है स्टीवन क्रेन, जिनका किरदार निभाया है माइकल हुस्मैन ने। इनके बाद आती है शर्ली क्रेन, जिनका किरदार निभाया है एलिजाबेथ रीजर ने। इनसे छोटी है थियोडोरा क्रेन, जिनका किरदार निभाया है केट सीगल ने। बाद में आते हैं सबसे छोटे जुड़वा भाई बहन, उम्र के हिसाब से आते हैं लूक क्रेन, जिनका किरदार निभाया है ओलिविया कोहेन ने। और अंत में सबसे छोटी बहन नील क्रेन, जिनका किरदार निभाया है विक्टोरिया पेड्रेटी ने। सो जब क्रेन परिवार इस हिल हाउस में रहने जाते हैं, तो एक एक करके सबको, स्पेशली सबसे छोटे भाई और बहन नेल और लूक क्रेन को अजीब अजीब आवाजें और कभी कभी अजीब अजीब लोग भी दिखाई देते हैं। इस पूरी टीवी सीरीज में जितने भी दिल दहला देने वाले सीन्स हैं, वो इन्हीं दोनों भाई बहन को लेकर है। ये टीवी सीरीज पास्ट और प्रेजेंट में स्विच होते रहती है। सो बचपन में इन लोगों ने क्या चीज देखी हिल हाउस में, हमें एक मोमेंट में वो दिखाई देता है। और फिर जब ये लोग बड़े हो जाते हैं और अभी टेक्निकली हिल हाउस में नहीं रह रहे हैं, ये कहीं और रह रहे हैं, बट फिर भी हिल हाउस की यादें कैसे इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है, एक पल के लिए हमें वो प्रेजेंट में दिखाई देता है। इस टीवी सीरीज की सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपको तुरंत पहले एपिसोड में ये नहीं बता दिया जाता कि क्या क्या एक्चुअली हुआ है। हर एक एपिसोड में आपको धीरे धीरे करके हर एक कैरेक्टर की स्टोरी पता चलती है, और 2-3 एपिसोड के बाद पता चलता है कि आखिर जब ये लोग हिल हाउस छोड़कर वापस आए तो आखिर हुआ क्या था। बट अगेन डायरेक्टर आपको फिर भी कंप्लीट स्टोरी नहीं बताते, तो ये जो सस्पेंस क्रिएटर ने मेंटेन करके रखा है थ्रू आउट ऑल दी एपिसोड, ये कहीं ना कहीं आपका टीवी सीरीज में इंटरेस्ट बना कर रखता है। स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस करता है, जहाँ वी गेट टू नो दैट कैरेक्टर मोर एंड व्हाट ही शी वेंट थ्रू इन हिल हाउस, और इन चीजों को कुछ स्कैरी और डरावने सीन से दिखाया गया है। पहला एपिसोड फोकस करता है स्टीवन पे, जो हिल हाउस के बाद के इंसिडेंट से अभी भी भूत में नहीं मानते, और ये अपने हिल हाउस के एक्सपीरियंस को लेकर एक बुक भी लिख चुके हैं, और अब ज्यादातर ऐसे लोगों के घर जाकर उसको इंस्पेक्ट करते हैं जिनको लगता है कि उनके घर में कुछ सुपरनैचुरल ताकत है। बट अगेन पहले एपिसोड में ही स्टीवन कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसको देखने के बाद में वो भूत के एग्जिस्टेंस को लेकर अपने आप पर ही डाउट करने लगते हैं। इसी तरह दूसरा एपिसोड शर्ली क्रेन के ऊपर फोकस करता है कि कैसे वो हिल हाउस के इंसिडेंट के बाद, जब उनका परिवार एक तरह से बिखर चुका था, उसको कैसे किसी तरह जोड़कर रखने की कोशिश कर रही हैं ये। तीसरा एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है और फोकस करता है थियोडोरा क्रेन पर, जो कि आपको जरूर पसंद आएगा, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे इनके पास लोगों को छूकर उनके बारे में जान लेने की एक तरह की शक्ति है, जिससे उनको हिल हाउस के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ शॉकिंग चीजें पता चलती हैं। अब बड़े होने के बाद ये इन शक्तियों का इस्तेमाल करके अनाथ बच्चों की मदद करती हैं। अब अगेन इस एपिसोड में एक सीन है जहां पर ये अपनी छोटी बहन को छूती हैं, और अपनी बहन को छूने के बाद में वो कुछ एक्सपीरियंस करती है। इस पूरे सीन में कुछ भी नहीं था, येट ये सीन इतना टेरिफाइंग था कि मैं खुद 2 मिनट के लिए डर गया। आगे जाकर जब वो अपनी दूसरी बहन को बताती है कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया था, आई वॉज रियली शॉक्ड। द मोमेंट दैट शी एक्सपीरियंस्ड एंड द मोमेंट दैट शी टेल्स हर अदर सिस्टर कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था, दोनों ही सीन में कुछ खास नहीं था, बट खाली वो जो डायलॉग्स बोलती है, वो जो बातें बताती है, वो ही काफी डरावने लग रहे थे। चौथा एपिसोड फोकस करता है लूक क्रेन पे। ये इतना सह चुके होते हैं बचपन में के हिल हाउस को छोड़ देने के बाद भी वो आराम से नहीं रह पाते। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई
है जो इनको हमेशा फॉलो करता रहता है। एंड अगेन कौन फॉलो करता है वो इस एपिसोड में दिखाया गया है। और पूरी टीवी सीरीज का सबसे डरावना सीन इसी एपिसोड में होता है और वो इन्हीं के साथ होता है। और ये इनके साथ में तब होता है जब ये लिटरली एक छोटे बच्चे होते हैं। जस्ट इमेजिन द टेरर ही वॉज गोइंग थ्रू। अगेन जिसकी वजह से लूक क्रेन इतना सह चुके होते हैं बचपन में कि जवानी में ये पक्के नशेड़ी बन चुके होते हैं। ये नशा छोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नहीं छोड़ पाते। अगेन ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो भूलने की कोशिश करते हैं कि बचपन में उनके साथ में जो कुछ भी हुआ उनको याद नहीं रखना है, तो वो सब उन चीजों से पीछा छुड़ाने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। वहीं पर पांचवा एपिसोड नेल क्रेन पर फोकस करता है जहाँ पर ये कुछ ऐसी ही डरावनी चीजें एक्सपीरियंस करती है जिसे ये नाम देती है द बेंट नेक लेडी का। जहाँ पर इनको एक औरत टूटी गर्दन में दिखती है हमेशा और हिलाउस को छोड़ देने के बाद में भी ये बेंट नेक लेडी इनका पीछा नहीं छोड़ती। अगेन कुछ दिल दहला देने वाले सीन्स होते हैं इस बेंट नेक लेडी को लेकर। एस्पेशली आप शॉक में तब जाते हैं जब बेंट नेक लिटरली फोंटे खड़े हो रहे मेरे। एस्पेशली आप शॉक में तब जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि आखिर ये बेंट नेक लेडी जो इस लड़की को दिखती रहती है बार बार बचपन से लेकर जवानी तक, ये आखिर रहती कौन है। जब आप ये डिस्क्लोज होता है आपके सामने, I was so sad, I was so shocked कि आप पूछो मत प्लीज। अब ज्यादा स्पॉइलर ना देते हुए मैं 6 एपिसोड के बारे में बात करूंगा जो कि लिटरली इस पूरे परिवार के ऊपर फोकस करती है और ये पास्ट और प्रेजेंट में फोकस करती रहती है। पास्ट में तब जब ये पूरा परिवार हिल हाउस में रहते हैं तो वहां पर एक तूफान आता है, तो उस तूफान से ये लोग कैसे मिलकर जूझते हैं वो देखने को मिलता है। और प्रेजेंट में तब जब काफी सालों बाद में ये प्रेजेंट में मिलते हैं, पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है फॉर XYZ रीजन जो मैं बताना नहीं चाहूंगा स्पॉइलर्स की वजह से, और हर एक किसी के ऊपर हर एक किसी के पास में कुछ ना कुछ टेंशन है। किसी को हिलाउस को लेकर प्रॉब्लम है, किसी को हिलाउस के XYZ को लेकर प्रॉब्लम है, किसी को हिलाउस के इस चीज की वजह से प्रॉब्लम है, किसी को हिलाउस के उस चीज की वजह से प्रॉब्लम है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको हिलाउस से लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बताना नहीं चाहता, शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बताएंगे ओके तो वो सामने वाला यकीन नहीं करेगा, सामने वाला ये सोचेगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके डैड जो होते हैं, जो क्रेन परिवार के मेन सदस्य होते हैं, डैड जो होते हैं, वो भी उनके साथ में जो भी होता है हिलाउस में वो भी कभी नहीं बताते कि यू नो मैंने ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस किया, कोई किसी से कुछ नहीं बताता। और ये जो इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ये लोग मिलते हैं, इसकी वजह से पूरा परिवार इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उस फ्रस्ट्रेशन को बिना दिल की बात बताए डायरेक्टर ने या राइटर ने इतनी अच्छी तरीके से उतारा है। नॉट जस्ट द डायलॉग्स, ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और कैमरा बीच में से पैन होते हुए एक कैरेक्टर पे जा रहा है, फिर जब उस कैरेक्टर का रिप्लाई कोई दे रहा है तो कैमरा घूमकर, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा जो शॉट था वो एक वन कंटिन्यूस शॉट था और कैमरा कैरेक्टर के बीच से पैन करके इतने इंटेंसिटी से उस सीन को दिखाया गया था कि एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि जो हॉरर सीन्स थे वो अच्छे नहीं थे, बल्कि ये एपिसोड का ये जो सीन होता है जहां पर ये दोनों ये सब लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिस इंटेंसिटी से लड़ते रहते हैं, वो बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं इस झगड़े का एक हिस्सा हूं और मैं भी एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि यार आखिर चल क्या रहा है इस फिल्म में। राइटर की और डायरेक्टर की डायरेक्शन की इन दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी इस मूवमेंट को लेकर, इस सीन को लेकर। अगेन सातवां एपिसोड वो है जहां पर हिल हाउस से लेकर हमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती हैं कि आखिर वहां पे पहले कौन रहता था और आखिर उनकी हिस्ट्री क्या थी। 8th एपिसोड में क्रेन परिवार के हर एक सदस्य को न चाहते हुए भी सच्चाई फेस करनी पड़ती है कि कुछ तो ऐसा है हिल हाउस में जो आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही, और उनको इस हिल हाउस से छुटकारा पाने के लिए वापस वहां जाना पड़ेगा और ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हिल हाउस से दूर होने के बावजूद भी हिल हाउस उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। 9th एपिसोड फाइनली वो एपिसोड है जहां पे फाइनली हमें क्रेन परिवार के मेन सदस्य यानी कि क्रेन परिवार के माता पिता के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। थ्रू आउट द टीवी सीरीज हमें इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पता चलती है मगर फाइनली 9th एपिसोड में वो पूरी बातें क्लियर होती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा परिवार आज भी हिल हाउस को झेल रहा था। और 10th एपिसोड में फाइनली हम उस कमरे के बारे में जानते हैं जिसमें ये लोग घुसने की बहुत कोशिश करते हैं थ्रू आउट द टीवी सीरीज बट कभी घुस नहीं पाते। एंड अगेन ये कमरा, ये पूरे हिल हाउस का एक ऐसा कमरा था जो कि काफी रहस्यमय था, और इस लास्ट एंड फाइनल एपिसोड में हमें हिल हाउस के बारे में पूरी सच्चाई पता चलती है। इस टीवी सीरीज की सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी वो ये थी कि कैसे छोटी छोटी डिटेल हर एक एपिसोड की कैसे आगे आने वाले एपिसोड से कनेक्ट करती है। पहले एपिसोड में जो छोटा छोटा डिटेल काट काट कर दिखाया था, जो पास्ट और प्रेजेंट में जो टीवी सीरीज स्विच हो रही थी, कैसे वो 7th एपिसोड या 8th एपिसोड के एक सीन से जुड़ता है
और क्लियर होता है आपको पिक्चर की, ओ तो फर्स्ट एपिसोड में ये हुआ था, तो 8th एपिसोड में यहाँ पर कंटिन्यू, ओ तो ये पूरा कंटिन्यू शॉट था। और कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन फील नहीं होता, आप एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते यार ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, आपको तुरंत याद आता है ओके फाइन ये यहाँ पर ये हुआ था यार। तो मेरे ख्याल से जो स्क्रिप्ट राइट किया था, जैसा डायरेक्ट किया गया, स्टोरी का जो टाइमलाइन था वो काफी परफेक्ट एग्जीक्यूट किया गया ताकि आप कहीं पर भी स्टोरी से कंफ्यूज ना हो, और ये चीज मुझे इस टीवी सीरीज की बहुत अच्छी लगी। स्टार्टिंग के 7 एपिसोड्स मुझे बहुत अच्छे लगे, स्टोरी अच्छी लगी, हॉरर सीन्स अच्छे लगे, टीवी सीरीज की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, जिस तरह से हॉरर की इंटेंसिटी मेंटेन की गई है वो भी अच्छी लगी। घर अगेन डरावना था, घर के हर एक डार्क सीन्स को भी हम अच्छे से देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, ऐसा नहीं था कि हम किसी डार्क सीन को फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि यार आखिर चल क्या रहा है। ज्यादातर डार्क सीन्स है मगर डार्क सीन्स को आप क्लियरली देख सकते हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट कहूं तो इस पूरी टीवी सीरीज की ऑलमोस्ट सभी चीजें, सभी स्टोरी लाइन और हर एक चीज ऑलमोस्ट मुझे परफेक्ट लगी। बट जो चीज मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी इस टीवी सीरीज की वो थी इस टीवी सीरीज के लास्ट के 3 एपिसोड, और स्पेशली वो सीन जिस तरीके से ये टीवी सीरीज एंड हुई यानी कि खत्म हुई, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई थॉट मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी घर के बारे में जिससे मैं पूरा हिल जाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट अदर देन दैट मुझे लगता है ये एक परफेक्ट वन टाइम वॉच टीवी सीरीज है। आप स्टार्टिंग के 7 एपिसोड बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे, लास्ट के 3 भी डिसेंट है, बट वो इंटेंसिटी नहीं था जो इंटेंसिटी स्टार्टिंग के 7 के एपिसोड में था। आई मीन लाइक मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि इस डायरेक्टर का मैंने, जो क्रिएटर है इसका मैंने रिव्यू देखा था, एनी सेट लाइक कि 1.5 या 2 घंटा मिलता है एक मूवी को लोगों को डराने का, मेरे पास में 10 घंटा है, सो मैं स्लोली स्लोली मेरे व्यूवर्स को डराऊंगा। बट आई थिंक सो स्टार्टिंग के 7 एपिसोड में इन्होंने तो हमें डराया, बट लास्ट के 3 एपिसोड में इनकी इंटेंसिटी कहीं ना कहीं कम पड़ गई। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस टीवी सीरीज को रेट करूंगा 7.5 out of 10। तो ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस का। आपको ये टीवी सीरीज का रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।